अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्राफिक रिजॉर्ट। आज हम पोर्ट्रेट में विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करना सीखेंगे और आज का कार्ड हम फोटोशॉप में डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो चले आएँ, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। फोटोशॉप ओपन कर लिया, कंट्रोल एन, न्यू कैनवस। न्यू कैनवस में प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंट में यहाँ पे कोई भी क्लिक कर लें और यहाँ पे इंचज, इंचज के बाद यहाँ पे आपके पास साइज़ होना चाहिए पोर्ट्रेट के लिए, विड्थ 2 और हाई 3.5, ठीक है, 300 रेजोल्यूशन। और इसके बाद जो कलर मूड्स आपने रखने हैं वो CMYK के यूज़ करने हैं। क्रिएट, यहाँ पर हम सबसे पहले स्केल लगा लेंगे ब्लीडिंग एरिया, ठीक है। तो यहाँ से मैं रेक्टेंगल लेता हूँ। अगर आपको वैल्यू पता हो तो आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट क्लिक करें कैनवास के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने वैल्यू मेंशन करनी है 0.125 IN। ये देखिए PX लिखा हुआ है, PX पिक्सल होता है, तो हमने IN यानी इंचज में काम कर रहे हैं, तो IN खुद यहाँ पर मैंशन कर देना है। नेक्स्ट टैब पे भी यानी कि 0.125 IN, ठीक है, और ओके, ठीक है। इस वाले बॉक्स को हम यहाँ पर एक कॉर्नर पे लगाएंगे पकड़ कर। कंट्रोल आर से रूलर बार आती है, स्केल्स लेके आएंगे और इस स्केल को भी ऊपर से लेके आ जाते हैं। और इसके बाद इसी वाले बॉक्स को आपने अपोजिट साइड पे कर लगा देना, ठीक। इसके बाद आपका यहाँ पर और स्केल एक यहाँ पर, इसको डिलीट कर दें इस वाले बॉक्स को। ये हमारे पास ब्लीडिंग एरिया भी लग गया, ठीक है। इसके बाद हम अपनी कलर स्कीम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, जो हमने कार्ड के ऊपर करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ, ब्लैक कलर और ऑल्ट बैक स्पेस कंट्रोल बैक, सॉरी, बैकग्राउंड के लिए जब आप बैकग्राउंड पे कोई कलर सेलेक्ट करके करते हो तो कंट्रोल बैक स्पेस अप्लाई करना होता है। और अगर फोरग्राउंड, ये ऊपर वाला कलर जो इस टाइम आपको ब्लू शेप में नज़र आ रहा होगा, ये फोरग्राउंड कलर है, तो इसमें अगर आपने ये कलर अप्लाई करना हो अपने बैकग्राउंड पे तो ऑल्ट बैक स्पेस यूज़ होती है शॉर्ट की, ठीक है। इन सब के बाद हम एक इमेज ले आते हैं, फोटो, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पर लाकर मैं पेस्ट करूँगा। शिफ्ट और आर प्रेस करके इसका साइज इंक्रीज़ कर लेता हूँ, ठीक है। जितनी मुझे थोड़ी सी विजिबल करनी है यहाँ पर, ठीक हो गया, इतना काफी है, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ से ब्लेंड मोड चेंज करने हैं। राइट साइड पे लेयर पैनल में टॉप पे आपको नॉर्मल लिखा नजर आ रहा होगा, इन ब्लेंड मोड को चेंज करते हैं। तो मुझे इनको टोटली ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट करना है, तो मैं सबसे नीचे वाला ऑप्शन यहाँ से बॉटम वाला यूज़ करूँगा और ये ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करूँगा और कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे यहाँ पर फिल्टर में आके ब्लर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पर ब्लर और गॉसियन ब्लर पर आता हूँ। यानी आपने गॉसियन ब्लर ऐड करना हो, फिल्टर, ब्लर और गॉसियन ब्लर, और यहाँ पर आप ब्लर थोड़ा सा इस इमेज को कर दें ताकि जो फोकस है हमारा वो फोरग्राउंड पर पड़े, बैकग्राउंड पर सिर्फ हल्की सी इमेज शो हो रही हो, एक फोटोग्राफी वाला टच नज़र आ रहा हो, ठीक है। और इसकी ओपेसिटी भी कम कर देता हूँ, ओके, ठीक है। मुझे यहाँ से लाइन लेनी है, एक यहाँ पर लगाता हूँ, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ओके। नेक्स्ट मुझे यहाँ पर भी लाइन चाहिए, मैं इसी का डुप्लीकेट आर्ट और ड्रैग के साथ कर लेता हूँ। आर्ट प्रेस करके साथ में माउस ड्रैग करेंगे तो इस डुप्लीकेट आ जाएगा। इस लाइन को मैं थोड़ा सा साइज में डिक्रीज कर रहा हूँ और इस लाइन को टोटली वाइट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक छोटा सा लोगो भी बनाना है, तो मैं एक आइकॉन ले आता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पर आ, ये कैमरे का आइकॉन है और यहाँ पर हम इसको सेट कर सकते हैं। शिफ्ट और आर्ट होल्ड करके डिक्रीज कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका मुझे कलर स्कीम चेंज करनी है, तो आपको पता होगा कि एफएक्स में आए,
कलर ओवरले, जिस इमेज का भी कलर चेंज करना हो तो इफेक्ट में आकर कलर ओवरले सेलेक्ट करके आप कलर चेंज कर सकते हो। कलर सेलेक्ट करें, आईड्रॉपर टूल ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा, कलर पिक कर लें जो आपको चाहिए। मुझे इस टाइम यही वाला ब्लू यूज़ करना है, तो मैं इसको यूज़ करके ओके एंड बाय। ठीक है, इसके बाद बैकग्राउंड के साथ इस आइकॉन को सिलेक्ट करते हैं और सेंटर कर देते हैं। अच्छा, मैं एक दफ़ा ये लेयर्स भी कुछ समेट लूँ जो मैंने रेक्टेंगल वगैरह डाले हैं, इन सबको मिला कर मैं एक कर देता हूँ। इमेज के नाम से आइकॉन टॉप पे आ गया, इसको लोगो वाली लेयर हम लैदा बना लेंगे। टाइप टू लेता हूँ, यहाँ से मैं फोटोग्राफर मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो डिक्रीज कर लें इसकी ही प्रॉपर्टीज बार से, मेरा जी बी स्मॉल कैप निकालने जरूरी है। अच्छा ठीक है, ओके, इस वाले को हम वाइट कलर में कर देते हैं। मूव टूल पे आ गया। ठीक है, और इसके बाद और यहाँ ओके हो गया। ठीक है, और इसको हम बोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। ठीक है, ओके, इन दोनों को पिक करें, शिफ्ट होल्ड करके कैनवास से दोनों लेयर सेलेक्ट की जा सकती हैं। कंट्रोल जी करें, बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर लें, लेयर पैनल में से सेकंड लेयर या थर्ड लेयर सेलेक्ट करनी हो तो कंट्रोल प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, मूव टूल पे रहते हुए आपको यहाँ पर अलाइनमेंट्स के ऑप्शन नज़र आ जाएंगे, तो यहाँ से मैं इसको सेंटर्ड अलाइन कर दूंगा, हॉरिजेंटल सेंटर इस टाइम कर रहा हूँ। ठीक है, इस वाले को हम लोगो का नाम दे देते हैं। ठीक है, इन सब के बाद इस इमेज को थोड़ा सा और डिक्रीज कर लें, यानी कि ओपेसिटीज की और कम कर लें। ठीक है, और यहाँ से मुझे अब इसके ऊपर नाम लिखना है, एक रेक्टेंगल मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ठीक है, और सेम इसी की डुप्लीकेट आर्ट प्रेस करके और ड्रैग कर कर मैं राइट साइड पे भी लेके जा रहा हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा हाइट भी कम कर लेते हैं, और यहाँ पर इसका डुप्लीकेट निकालने लगा हूँ, कंट्रोल जे, और इसको इसके ग्रुप से बाहर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो पिक किया यहाँ पर आके, यहाँ पर हम नाम मेंशन कर देंगे, जॉन डोई डमी नेम है। ठीक है, और इसका साइज मैं कर दूंगा 10। ओके, 10 नहीं, मुझे यहाँ पर इसको 14 करना है। इसके नीचे हम लिख देते हैं फोटोग्राफर, इसको भी सिलेक्ट करें। एक तो पहले इसको लाइट मूड में करें, ठीक है, दूसरा इसके जो है वो यहाँ पे साइज 8 कर दें, 8 PT, और ठीक है। फोटोग्राफर का कलर यहाँ पे मैं चेंज कर दूंगा, ब्लू कलर में ही ले आते हैं इसको भी। ठीक है, और इसको ओवरऑल बैकग्राउंड के साथ सेलेक्ट करूँगा और सेंटर कर। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को पिक किया, कंट्रोल जी किया, और इसका नेम ग्रुप तीन चार लेयर्स को सिलेक्ट करके अगर उसमें ग्रुप में कन्वर्ट करना हो तो कंट्रोल जी शॉर्ट की यूज़ होती है। ठीक है, इन सब के बाद मुझे यहाँ पर आइकॉन्स यूज़ करने हैं। आइकॉन्स वाली फाइल मेरे पास यहाँ पर ओपन है, मैं आइकॉन यहाँ से पिक कर लेता हूँ जो जो मुझे चाहिए। पहले मुझे फ़ोन नंबर का आइकॉन चाहिए। इस वाले आइकॉन्स की मैं आपको AI फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एड्रेस की ज़रूरत है, चलिए लोकेशन भी हम ऐड कर देते हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा हमारे पास वो वेबसाइट है। ठीक है, ओके, इन चीज़ों को पकड़ें, साइज में डिक्रीज कर लें शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके। ठीक है, और इन सब के बाद यहाँ पर टॉप पर वन बाय वन इसको सेट कर। दोबारा फोल्ड कर रहा हूँ, कंट्रोल प्रेस करके तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ, और फिर एक दफ़ा थोड़ा सा और डिक्रीज साइज में कर रहा हूँ। मुझे सेम यही वाला कलर करना है जो इस इमेज के ऊपर मैंने किया था। ठीक है, कैमरे वाले की, तो राइट क्लिक करें,
कॉपी लेस स्टाइल कर लें। सेकंड, तीनों इमेजेस को मैं अब सिलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, पेस लेस स्टाइल कर, ठीक है। और इसके बाद मुझे अब यहाँ पर टाइप टूल लेना है। टाइप टूल के बाद यहाँ पर कोई भी डमी नंबर लिख लेते हैं, ओके, कंट्रोल ए, और इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ, टिक। और यहाँ पर मैं इसको सेंटर कर दूंगा, यहाँ पर बेशक स्पेस भी दे सकते हैं आप, ओके। इसी का डुप्लीकेट निकालता हूँ, कंट्रोल जे, और नीचे फोटोग्राफर डॉट कॉम, ठीक है, www बेशक मेंशन कर दें, क्योंकि हम डमी लिख रहे हैं, नहीं तो एक और भी काम कर सकते हैं, इसके नाम को भी साथ में मेंशन कर सकते हैं, जॉन डाई फोटोग्राफर, ठीक है, या जॉन फोटोग्राफर कर देते हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद मुझे ये वेबसाइट और ये आइकॉन मैं शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करके और शिफ्ट और आ एरो की के साथ अप कर रहा हूँ, कंट्रोल जे, इसी का डुप्लीकेट निकालता हूँ, और नीचे यहाँ पर एड्रेस या लोकेशन मेंशन कर देते हैं, तो स्ट्रीट ए बी सी होम टाउन, ठीक है, कोई भी फिलहाल हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कंटेंट, और इन सब को सिलेक्ट करें शिफ्ट होल्ड करके, सबको यहाँ पर मैंने इक्वल कर दिया है हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट भी कर देता हूँ, जिससे ये इनके जो सेंटर्ड डिस्टेंस है ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इन सबको सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें, कंट्रोल जी के बाद इसको आइकॉन्स का नाम दे देते हैं या कॉन्टेक्ट का नाम दे देते हैं, ओके। इसके बाद मुझे बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है और ओवरऑल यहाँ पर भी सेंटर कर, ठीक है। अगर मैंने ऊपर लाइन ऐड की है तो एक लाइन यही वाली अगर मैं छोटी सी नीचे भी ऐड कर दूँ, आर्ट प्रेस करके ड्रैग डुप्लीकेट के लिए, और अगर यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा साइज भी छोटा, बैकग्राउंड सेंटर्ड, और यहाँ पर मेरे पास आ गया। इसके बाद कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन को अगर थोड़ा सा अपसाइड पे कर दूँ, अच्छा, स्केल्स को अगर आप हाइड करना चाहते हैं वक्ती तौर पर और अपना डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो कंट्रोल एच शॉर्ट की यूज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया है, कंट्रोल एच दोबारा कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एस करूँगा, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर मैं सेव कर दूँगा फोटोग्राफर कार्ड, ठीक है, या विजिटिंग कार्ड, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट एस दोबारा, और इसको मैं जे पैक में भी सेव कर दूँगा, ओके। और ये हमारे पास पोर्ट्रेट में फोटोग्राफर के लिए कार्ड रेडी हो गया, एक छोटा सा सिंपल सा, ठीक है, ओके। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ सीखने को भी मिला होगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।